हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद पूजा। आज ये ब्लॉग मैं बनाने वाली हूँ जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ अर्बन क्लैब। और मैंने बुकिंग किया था ऑनलाइन और वो लोग एग्जैक्टली टाइम पे आए थे और वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। अर्बन क्लैब का बहुत सारा पैकेज है, आप देख सकते हैं, आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा अच्छा ऑफर भी रहता है। ये स्पॉन्सर वीडियो एकदम ही नहीं है, मैंने खुद अपने पैसों से किया है। और जो पेडिक्योर और मैनिक्योर था उसमें जो पैकेज था वो मैंने लिया था, उन लोग का 3 to 4 टाइप्स ऑफ पेडिक्योर एंड मैनिक्योर है। मैंने जो लिया था वो है रोज पेडिक्योर एंड मैनिक्योर, उन लोग का क्लासिक भी है और दो भी ऑप्शन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और फेशियल भी उन लोग का बहुत सारा है, बहुत सारा पैकेज भी है, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। और अगर आपको, अगर खुद का कर रहे हैं या मम्मी या फिर किसी का इंक्लूड भी करना चाहते हैं, आप एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ थ्रेडिंग के लिए नहीं आते हैं। उन लोग का एक नॉर्मल ऐसे लिया था, उसमें फ्रूट फेशियल था और वहाँ पे ऑलरेडी थ्रेडिंग और वैक्सिंग इंक्लूड था, पर मैंने वैक्सिंग को एक्सक्लूड करने के बाद मैंने सिर्फ थ्रेडिंग और फेशियल लिया था। उसके बाद मुझे 599 का पड़ा। मैंने फ्रूट फेशियल बुक किया था और पेडिक्योर और मैनिक्योर भी मैंने बुक किया था। वो मैंने बुक किया था रोज़ का, रोज़ पेडिक्योर और मैनिक्योर, उन लोग का बहुत सारा ऑप्शन है उसमें, आपको जैसे पसंद है आप वैसे ले सकते हैं। 4-5 ऑप्शन रहता है और पैकेज भी बहुत सारा है, आप मसाज भी ले सकते हैं, फुल बॉडी मसाज भी है। और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में फेशियल लिया, थ्रेडिंग लिया, पेडिक्योर और मैनिक्योर लिया है। तो फिर देखते हैं। देखिए वो आ चुकी है, आप देख सकते हैं, वो अपना ट्रॉली अनबॉक्स कर रही है, सारा सामान इसी ट्रॉली में लाई है वो। और यहाँ आप देख सकते हैं बेड के ऊपर वो एक व्हाइट कलर का क्लॉथ डाल रही है ताकि गंदा ना हो आपका बेडशीट। देखिए सारा फेशियल यूनिट वो इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो फेशियल है वो बेड के ऊपर करेंगे। और नीचे देखिए व्हाइट कलर का जो क्लॉथ डाल रही है उसके ऊपर वो पेडिक्योर और मैनिक्योर का जो वो करने वाली है उसको रेडी कर रहे हैं वो। और ये रहा फेशियल यूनिट रेडी है ऊपर, और आप देख सकते हैं ये वो अभी आईब्रो बना रही है, पहले शेप दे रही है उसके बाद आईब्रो। देखिए एकदम पेनलेस था, बहुत ही अच्छा था, उनका स्किल बहुत ही पसंद आया मुझे। और ये पूरा पेडिक्योर और मैनिक्योर का सेट है, और लेफ्ट साइड में जो रेड कलर का दोनों है उसी से वो करने वाली है पेडिक्योर मैनिक्योर। और ये देखिए उनका, पहले तो वो नेचुरल कलर एक अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो शेड आपको पसंद है आप बोल सकते हैं, वही शेड वो अप्लाई कर देंगे। सारा टूल देखिए यहीं पे अरेंज की है वो। और ये ब्लैक कलर का एक ड्रेस है जो वो लाई थी ताकि आपका कुछ गंदा ना हो, ये यूज एंड थ्रो है। और आईब्रो के बाद वो 1 मिनट तक मसाज। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो अप्लाइड नेल पॉलिश है उसको रिमूव कर रही है। दूसरे पैर में भी वो रिमूव कर रही है नेल पॉलिश। अभी वो नेल्स को फाइल कर रही है, शेप दे रही है नेल्स को। हाथों का भी नेल पॉलिश रिमूव कर रही है, सेम स्टेप हाथों पे भी कर रही है, शेप दे रही है नेल्स को। मैनिक्योर के लिए वो पानी अलग से ले रही है, पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए वो सारा ब्रांड का यूज कर रही है पेडिक्योर मैनिक्योर। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो जब भी कुछ खोल रही थी वो खुद अपने डस्टबिन में ही डाल रही थी ताकि वो जाने वक्त उसको फेंक सके। पहले जो वो अभी काट रही है वो मैनिक्योर के लिए जो फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग, उसको काट के वो गर्म पानी में डाल देगी। देखिए अभी गर्म पानी में वो रोज क्लिनजर जो है डाल दी। अभी वो पेडिक्योर के लिए काट रही है, यहाँ देखिए ये सारा ब्रांड का पेडिक्योर है और इसमें 4 स्टेप है,
फर्स्ट स्टेप जो है क्लिंजर, सेकंड जेल, थर्ड मसाज क्रीम और फोर्थ पैक। और यहाँ पे वो वाइब्रेटर मशीन जो है पेडिक्योर का ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं छोटे छोटे रोज पेटल्स हैं उसमें। और वहाँ वो ने मुझे बोला कि पैर डुबा के रखने के लिए, अभी वो हैंड का भी सेम करने वाली है। और अभी उन्होंने छोटा सा ब्रश लिया है और विद द हेल्प ऑफ ब्रश वो क्लीन कर रही है। और प्रेशर मुझे बार बार वो पूछ रही थी कि ठीक है कि नहीं, मुझे एकदम मेरे लिए एकदम ठीक था, ज़्यादा नहीं था और कम भी नहीं था, एग्जैक्ट प्रेशर था मुझे जितना चाहिए। और अच्छे से वो क्लीन कर रही थी नेल्स, हाथ, फिंगर सारा बहुत ही अच्छे से किया है उन्होंने। ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है और उन्होंने पूरा ही अच्छे से क्लीन किया है, थोड़ा मसाज भी दे रही थी वो। सेम स्टेप वो दूसरे हाथ में भी की। फर्स्ट स्टेप के बाद अच्छे से वो जितना भी पानी था अच्छे से वो ड्राई कर रही है। अभी ये सेकंड स्टेप चल रहा है, वो जेल अप्लाई कर रही है नेल्स में, फिर इसको 5 मिनट छोड़ने के बाद क्लीन कर रही है। आप देख सकते हैं पूरा अंदर से जितना भी डर्ट था और ऊपर एक लेयर जो हो जाता है येलो कलर का, उसको रिमूव कर रही है और उसके बाद जो नेल से ब्राइट हो जाता। अभी ये क्यूटिकल कट कर रही है, ये क्यूटिकल फाइल या फिर क्यूटिकल कटर, पहले जो एक पिंक कलर का आप देख सकते हैं उसमें वो उन्होंने सेकंड स्टेप का जितना भी रिमेनिंग प्रोडक्ट था उसको अप्लाई कर दी है। उसके बाद ये थर्ड स्टेप जो वाइट कलर का दिख रहा है वो मसाज क्रीम है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से मुझे मसाज दिया है आप देख सकते हैं। और देखिए दोनों हैंड में ही वो की है बहुत अच्छे तरह से, मैं बस एक ही हाथ का दिखा पा रही थी क्योंकि मैं दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब देखिए कितने अच्छे से मसाज दे रही है वो, ईच एक एक फिंगर को मसाज दे रही थी। आठ स्टेप के बाद अच्छे से क्लीन कर दी। अब जो ये हो रहा है ये है फोर्थ स्टेप, फाइनल स्टेप मैनिक्योर का, देखिए। और ये है पैक, वो अभी पैक अप्लाई करेगी, ब्रश से अप्लाई की, मेरा पूरा हाफ हैंड वो अप्लाई की है देखिए। और प्रोडक्ट भी सफिशिएंट था, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अप्लाई किया है। और इसको फिर वो ड्राई होने के लिए छोड़ देगी और उसी बीच में वो अभी नेल पॉलिश भी लगाएंगी। पहले जो नेल पॉलिश लगा रही है वो है नेचुरल कलर एक अप्लाई कर रही है, कोट दे रही है नेल्स पे। उसके बाद आप जो सिलेक्ट करेंगे वो कलर वो अप्लाई कर देगी, मैंने पिंक कलर सिलेक्ट किया था देखिए। और ये कलर बार का वो सारा नेल पेंट यूज़ कर रही थी, बहुत ही अच्छा ब्रांड है कलर बार, और ये कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये कलर पिक किया था। हैंड्स कंप्लीट हो चुका है, मेरा मैनिक्योर कंप्लीट हो चुका है, अभी वो पेडिक्योर कर रही है। पहला स्टेप था मेरा मैनिक्योर, मतलब ड्यूरिंग मैनिक्योर उसको हाफ एन आवर मिल गया, मेरा पैर भी शोक हो गया था अच्छे से। और ये फर्स्ट स्टेप कर रही है जो है क्लिंजिंग, क्लिंजिंग में आप देख सकते हैं वो अच्छे से क्लीन कर रही है
और मेनली पैरों में ज्यादा गंदगी रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से रब करके जितना भी डेड सेल था उसको एक्सफोलिएट कर रहे थे। और वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि प्रेशर ये ठीक है कि नहीं, लाइट करूं या फिर ज़्यादा करूं, पर वो प्रेशर ठीक था मेरे लिए। अभी वो प्यूमिक स्टोन यूज़ कर रही है ताकि जितना भी डेड सेल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, वो अच्छे से वॉश कर रही है। अभी सेकंड स्टेप जो है जेल, जो कि वो नेल्स पे लगा रही है दोनों ही पैर में, आप देख सकते हैं वो एक स्टिक के हेल्प से रिमूव कर रही थी, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स थे अंदर अच्छे से क्लीन कर रही थी और साइड से भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से किया है उन्होंने, और ऊपर का जो एक लेयर होता है उसको भी रिमूव कर रही थी। और रिमूव करने के बाद एकदम नेल्स वाइट हो जाता है। फिर अभी वो क्यूटिकल कटिंग कर रही थी, क्यूटिकल फाइल या फिर क्यूटिकल, इसको क्या बोलते हैं इस टूल को पता नहीं है, पर जितना भी डेड सेल्स था आप देख सकते हैं वाइट कलर, वो सब रिमूव हो रहा था ऊपर से और साइड से, इसको क्यूटिकल कटिंग ही बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से की ताकि मुझे कोई हर्ट ना हो, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही केयरफुली की है। और ये जो है वो क्यूटिकल सीजर से कट कर रही थी, और इस ये टूल से वो एक्सेस जो डेड स्किन था उसको रिमूव कर रही थी। बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो गया था इस स्टेप में, बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया है। और ये जो टूल उन्होंने यूज़ किया है उसमें मैं पूरा देख पा रही थी वाइट कलर का जो डेड सेल्स था वो नीचे गिर रहा था, मतलब क्या बोलूँ, इतना डेड सेल था। और अभी जो है वो थर्ड स्टेप करने वाली है, पर उससे पहले जो सेकंड स्टेप में जितना भी जेल लेफ्ट ओवर था उसको अच्छे से अप्लाई कर दी है, उसके बाद वो अभी थर्ड स्टेप जो मसाज है उसको अप्लाई करेगी। देखिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है और मसाज बहुत ही अच्छे से, बहुत देर तक उन्होंने मसाज दिया है, बहुत ही अच्छे से प्रेशर डाल के उन्होंने मसाज किया है, बहुत ही अच्छे से प्रेशर डाल के वो मसाज कर रही थी। सेम स्टेप उन्होंने मेरे दूसरे पैर में भी किया है, और उसके बाद जितना भी एक्सेस क्रीम था उसको रिमूव कर दे रही है वो। देखिए अच्छे से क्लीन करने के बाद ये है लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, वो है पैक। पैक लगाएगी अभी। पैक को अच्छे से अप्लाई करने के बाद पहले वो एक नेचुरल शेड जो है अप्लाई कर रही है, उसके बाद मैंने जो सिलेक्ट किया था वो शेड वो अप्लाई करेगी। और हाथों पर आप देख सकते हैं वो एक फिर से नेचुरल कलर जो है लगा रही है ताकि जो नेल पॉलिश है लॉक होके रहे। और पैर में फिर से वो पिंक कलर का जो मैंने जो सिलेक्ट किया था वो अप्लाई कर रही है, वो फिर से रीअप्लाई करेगी जब ड्राई हो जाएगा। सेकंड मतलब दो बार उन्होंने नेल पॉलिश लगाया है, मतलब सेकंड कोटिंग भी दिया है उन्होंने। और यहाँ आप देख सकते हैं जब तक मेरा पैक ड्राई नहीं हो जाता वो तब तक सारा क्लीन कर देगी, पेडिक्योर मैनीक्योर का सामान पूरा नीट एंड क्लीन। वही बहुत ही अच्छा है, आपका घर जैसे था वैसे ही आपको मिलेगा, कोई आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है मैं बोल रही थी सेकंड
फिर से सेकेंड लेयर ट्रांसपेरेंट कलर उन्होंने अप्लाई किया है ताकि कलर लॉक, और जो पैक था आप देख सकते हैं वो रब करके निकाल रही है ताकि जितना भी लेफ्ट ओवर डट हो अच्छे से निकल जाए। और सेम उन्होंने पैरों का भी किया है, ऐसे रब करके निकाल रही थी पैक। बस पूरा कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं, और अभी वो दूसरे पैर का भी रब करके निकाल रही है। फिर अच्छे से उन्होंने पोंछ दिया है और अभी आप देख सकते हैं मेरा पैर कितना चमक रहा है। फेशियल के लिए अभी रेडी कर रही है, बैंड अप्लाई कर रही है, और देखिए इसी किट से फेशियल करेगी। टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर दी मेरा फेस। ये है फर्स्ट स्टेप क्लिंजर, वो भी क्लिंजिंग करेगी मेरा फेस। आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे प्रेशर डाल के क्लिंजिंग कर रही है, थोड़ा सा मसाज दे रही है, उसके बाद ये स्टेप को वो वाइप ऑफ कर देगी। देखिए धीरे धीरे वाइप ऑफ कर रही है, और वाइप ऑफ करने के बाद जो सेकंड स्टेप है उसको वो कंटिन्यू करेगी। देखिए ये है सेकंड स्टेप, वो सारा स्पैचुला से अप्लाई कर रही थी। जो सेकंड स्टेप है वो है स्क्रब, और स्क्रब जो है वो जेल बेस्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उन्होंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इसके बाद वो स्टीम दे, फाइव मिनट्स तक, उसके बाद वो स्क्रब करेगी 5 to 8 मिनट्स तक। देखिए यहाँ पे वो स्क्रबिंग कर रही है, और जो स्टीम लेने के बाद एकदम लाइट हो गया था स्किन, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्क्रबिंग किया था अराउंड 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद वो फिर से वाइप ऑफ कर रही है, जितना भी एक्सेस अमाउंट लेफ्ट ओवर था मेरे स्किन पे वो स्क्रब रिमूव कर रही है वो। इसके बाद वो एक वुडन स्पैचुला से रिमूव कर रही थी मेरा ब्लैक हेड वाइट हेड, पता नहीं वो ये क्यों यूज़ कर रही थी, इसके लिए स्पेसिफिक टूल। अभी हो रहा है थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं, और वुडन स्पैचुला से वो अभी अप्लाई कर रही है, मसाज क्रीम अप्लाई कर रही है, और अभी धीरे धीरे मसाज स्टार्ट कर रही है। देखिए 15 to 20 मिनट्स उन्होंने मसाज दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। एक्सेस क्रीम वो फेस से रिमूव कर रही है। फोर्थ स्टेप पैक, पैक में भी मसाज दी, पैक जो है ड्राई हो चुका था अभी वो रिमूव कर रही है। पैक रिमूव करने के बाद जो लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर, उन्होंने वो अप्लाई किया है, फिर वो चली गई जैसा घर था वैसे नीट एंड क्लीन, कोई एक भी टिश्यू पेपर या फिर कुछ नहीं, सारा चीज़ लेकर चली गई। जो मुझे सर्विस देने आई थी वो एग्जैक्ट टाइम पे आई थी, इतना बारिश हो रहा था एग्जैक्ट टाइम पे आई थी वो, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका सर्विस। और जो उन लोग का एक ड्यूरेशन होता है, एक्चुअली फेशियल का 35 मिनट्स एंड पेडिक्योर एंड मैनिक्योर 50 या फिर 70 मिनट्स ऐसे कुछ है। वहाँ पे ऑलरेडी पैकेज में आपका मेंशन किया रहता है कि कितने मिनट का सर्विस देंगे वो लोग, पर वो जो आई थी वो लड़की मुझे मतलब टाइम से ज़्यादा ही सर्विस दी। मैंने थ्रेडिंग लिया था और वो ज़्यादा ही मतलब टाइम तक मेरा फेशियल एंड मैनिक्योर पेडिक्योर की थी, और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अर्बन क्लैब से, और मैं ज़रूर और ट्राई करना चाहूँगी। नॉर्मली क्या होता है मतलब हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं कोई कोई, तो उन लोग के लिए भी तो बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है, आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ता उन लोग का, और जो लड़कियाँ रहती है सर्विस के लिए वो मतलब इतना अच्छा सर्विस देती है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे, और उनका स्किल्स भी बहुत अच्छा है नो डाउट। मैंने थ्रेडिंग किया था, मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ, पूरा पेनलेस था थ्रेडिंग, और कुछ मेरा एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव है स्किन, जिसके लिए थोड़ा कट मार्क्स और ऐसे सब हो जाता है, पर मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ ये सर्विस लेके। और मैं आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ अर्बन क्लैब को, बहुत ही अच्छा है ये ऐप, आप ज़रूर ट्राई की हैं, आप भी ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं कुछ नए वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।